तो आज हम बात करते हैं ईगो स्पोर्ट टाइटेनियम की। आपने इसके पहले वीडियो आप इसकी देख चुके हैं। डिलीवरी की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि इन केस मैं कहीं चला गया था, इसलिए मैं आपको डिलीवरी की वीडियो नहीं दिखा पाया। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। ईगो स्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 पेट्रोल है ये। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी की कुछ ऐसे मिलती है आपको इसमें, देख सकते हैं आप। सर फोर्ड की बैजिंग अनलॉक करने पे आपके ओआरवीएम ओपन हो जाएंगे और डीआरएल ऑन हो जाएंगी। लॉक करने पे ओआरवीएम बंद हो जाएंगे और डीआरएल भी ऑफ हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी ग्रिल की। ग्रिल आपको इसमें कुछ ऐसी मिलती है, फोर्ड की बैजिंग मिलेगी यहाँ पर आपको, और देख सकते हैं क्रोम और ब्लैक कलर में आपको इसकी ग्रिल मिलती है। इधर बात करें तो इधर आपको मिलते हैं ये एलईडी DRL, और यहाँ पे आपको मिलता है पार्किंग हेलोजन बल्ब, और ये है प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट। आपको इसमें LED का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर आपको प्रोजेक्टर मिलता है इसमें। नीचे बात करें तो आपको इसमें मिलता है ये फॉग लैंप, ये भी हेलोजन रहेगा, और आपको साइड में देखने को मिलेगा इसका टर्न इंडिकेटर। और इधर हम बात करें तो इधर मिलती है आपको मेट ग्रे कलर में ये स्किड प्लेट, और इधर मिलता है आपको टोइंग हुक। चलते हैं हम आगे। तो ये हैं इसके वाइपर, दो वॉशर मिलते हैं इसके साथ। नीचे आते हैं तो टायर साइज़ की हम बात करते हैं, तो करें तो 16 इंच के आपको इसमें अलॉय मिलते हैं, 5 का सेट मिलता है आपको इसमें, और आपके जो सारे टायर इसमें रहेंगे वो हैं गुड ईयर के। और आप टायर साइज़ ये देख सकते हैं, और ये ORVM बॉडी कलर में आपको इसके ORVM मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप LED आपको इसमें टर्न इंडिकेटर मिलता है, और ये डोर वाइजर। और ये है कुछ गाड़ी की पूरी लुक साइड से, काफ़ी मस्कुलर टाइप के इसके डोर हैंडल हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपको इसमें सिल्वर कलर में देखने को मिलेगी रूफ रेल। इधर पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगा बैक पिलर, और यहाँ से भरा जाएगा पेट्रोल, पेट्रोल में है ये। और ये हैं इसकी टेल लाइट, यहाँ आपको मिलती है हेलोजन में टर्न इंडिकेटर, और नीचे मिलती है आपको स्टॉप लैंप, और ये पूरा पार्ट रिफ्लेक्टर का रहेगा। और अगर इसमें हम बात करें बैक लाइट की, तो बैक लाइट आपको इसमें यहाँ मिलती है, और यहाँ है फोर्ड का लोगो, ईगो स्पोर्ट की बैजिंग। और इसमें आपको रिवर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 4 रिवर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, देख सकते हैं आप। और आपको मिलता है यहाँ पे ये कैमरा, और ये हैं इसके रिवर पार्किंग सेंसर्स। यहाँ मिलते हैं आपको टाइटेनियम की बैजिंग, और ये है इसका स्पेयर व्हील, गुडियर का ही आपको स्पेयर व्हील मिलता है इसमें, देख सकते हैं आप। 5 का सेट आता है इसके साथ अलॉय का, ये न्यू डिज़ाइन का है। काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि ये टॉप मॉडल वाले हैं, पर भाई ये टॉप मॉडल वाले ही हैं, पर कंपनी इस मॉडल में ऑफर कर दे क्योंकि ये पेट्रोल का टॉप मॉडल है टाइटेनियम। इसके बाद जो मॉडल आते हैं वो आते हैं डीजल में, ये 1.5 आप पेट्रोल टाइटेनियम देख रहे हैं। तो ये भी गुड ईयर का ही रहने वाला है, 5 टायर आपको गुड ईयर के ही मिलेंगे, देख सकते हैं आप। और ये रियर वाइपर, और यहाँ पे डिफॉगर, ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और यहाँ पे मिलता है आपको छोटा सा वॉशर, और SRP एंटीना। तो अब हम बात करते हैं कार के डायमेंशंस की। लेंथ इसकी रहेगी 3998 mm की, विड्थ रहेगी 1765 mm की, हाइट जो रहेगी 1647 mm की, व्हील वेज जो रहेगा 2519 mm का, और जो कर्व वेट है गाड़ी का वो है 1225 kg का। और अगर हम इसके टर्निंग रेडियस की बात करें तो वो आपको इसमें मिलता है 5.3 मीटर का, इसमें आपको टर्निंग रेडियस मिलता है।
तो चलिए अब खोलते फ्रंट का हुड और देखते हैं 1.5 लीटर पेट्रोल इसका इंजन। पहले कार को कर लेते हैं अनलॉक। यहाँ से ओपन होगा फ्रंट का हुड। तो ये देख रहे हैं आप इको स्पोर्ट का इंजन जो कि इनलाइन 3 सिलेंडर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है और 1496 सीसी का ये इंजन रहेगा। मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करता है वो है 120.69 bhp की। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 149 Nm का। मैनुअल में आती है ये कार, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा आपको इसमें और फ्रंट व्हील ड्राइव रहेगी ये कार। 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा आपको इसमें जो कि माइलेज देगा 16 to 16.5 की। तो अब बात करते हैं हम इसके कलर ऑप्शंस की। तो ये हैं इसके कुछ कलर ऑप्शन जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये थे कुछ कलर ऑप्शंस। बात कर लेते हैं हम इसके सेफ्टी फीचर्स की कि इसमें आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर मिलते हैं। तो इसके ये हैं कुछ सेफ्टी फीचर्स, देख सकते हैं आप। तो ये थे कुछ इसके सेफ्टी फीचर्स और इसके कलर ऑप्शंस। तो अब चलते हैं हम कार के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इसके डोर से। बीच एंड ब्लैक कलर में आपको इसका डोर देखने को मिलेगा और जो इसका इंटीरियर रहेगा। इधर बात करें तो आपको लॉक एंड अनलॉक के बटन मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये बहुत ही अच्छे फिनिश में डोर हैंडल मिलता है। एक ट्यूटर मिलता है यहाँ पे आपको और नीचे मिलता है स्पीकर। यहाँ मिलता है आपको ORVM के कंट्रोल्स, आप इलेक्ट्रिकली ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मिलते हैं आपको सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ मिलता है आपको एक आर्मरेस्ट, फैब्रिक का यूज़ नहीं करा गया आर्मरेस्ट में। इधर मिलता है आपको एक बोतल होल्डर और आप इधर भी एक बोतल होल्डर या अम्ब्रेला अपना कुछ रख सकते हैं। काफ़ी डीप स्पेस दिया गया है। और ऐसे मिलते हैं कुछ इसमें सीट्स जो कि ये एसेसरी में आपको कंपनी से लगवा सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल इसकी सीट मिलेगी, आप देख सकते हैं। और अंदर बात करें तो इधर मिलते हैं आपको AC वेंट। पूरा ब्लैक ऊपर से इसका इंटीरियर रहने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। AC वेंट आपको इसमें कुछ ऐसे मिल। और इधर बात करें तो इधर मिलते हैं आपको लाइट के कंट्रोल, फॉग लैंप के कंट्रोल। यहाँ से आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं MID स्क्रीन की। और ये है फोर्ड का 3-स्पोक पावर स्टेयरिंग। यहाँ पर मिलते हैं आपको MID के कंट्रोल और यहाँ मिलते हैं आपको इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल। टिल्ट एडजस्टेबल आपको ये स्टेयरिंग मिलेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ मिलते हैं आपको वाइपर के कंट्रोल और यहाँ मिलते हैं आपको इंडिकेटर और लाइट के कंट्रोल। इस कार में आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा पर कीलेस एंट्री आपको इस कार में नहीं मिलती। तो एक बार इसको प्रेस करने पर आपका इग्निशन हो जाएगा ऑन, आप देख सकते हैं। MID की बात करें तो 8000 तक आपको इसमें RPM देखने को मिलेगा क्योंकि पेट्रोल इंजन है, तो आपको इसमें 8000 तक RPM देखने को मिलेगा। इधर बात करें तो आपका टेम्परेचर बताएगा इधर फ्यूल का। और ये है स्पीडोमीटर, 220 टॉप स्पीड है। इधर से हम MID को कंट्रोल कर सकते हैं, आप देखिए। इधर से MID के आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर बात करें तो इस वाले सनवाइजर में आपको कुछ नहीं मिलता, ये प्लेन मिलेगा बिल्कुल आपको। और इधर बात करें एक सनग्लास होल्डर मिलता है आपको इधर। इधर माइक मिलता है, सनरूफ का स्विच और इधर लाइट। इधर बात करें तो सनवाइजर पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिलती है। और इसको नीचे करें तो आपको मिलता है यहाँ पे एक मिरर जो कि आप यहाँ से इसकी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ भी मिलता है आपको एक ट्विटर और यहाँ ये पावर विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है इधर। और ग्लो बॉक्स को ओपन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको। यहाँ भी स्पेस मिलेगा ग्लो बॉक्स में और यहाँ भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ये है AC वेंट, फिनिशिंग देखिए आप इसकी। तो बात करते हैं अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। 8 इंच का आपको फुली टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपको इसमें मिलेगा। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है जो कि ट्विटर की रिप्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और डोर्स में आपको यहीं पर स्पीकर्स मिलेंगे चारों डोर में। तो ये सपोर्ट करता है USB
ब्लूटूथ, एफएम और नेविगेशन आप देख सकते हैं, काफी अच्छा आउटपुट है इसका और आप यहां से भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे बात करें तो ये है क्लाइमेट कंट्रोल एसी, देख सकते हैं आप यहां से आप अपनी फैन की स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां से ऑटो का बटन, यहां पे आप एयर सेट कर सकते हैं, यहां से एसी ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहां पे आपको टेम्परेचर का मिलेगा और ये देख सकते हैं आप स्विच इसके अंदर ही दिया गया है जो कि रियर डिफोगर का है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तब ये रियर डिफोगर काम करेगा। नीचे मिलता है टीसीएफ का स्विच और दो यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है आपको। इधर मिलता है ये गियर नॉब, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है ये। और ये है मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ मिलता है आपको दो ग्लास होल्डर। और ये देख सकते हैं आप आर्मरेस्ट में कितनी डीप स्पेस है, आर्मरेस्ट काफी अच्छा है इसका। और अब मैं दिखाता हूँ आपको सनरूफ, और ये मिलता है आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर, देख सकते हैं आप। और सनरूफ मैं दिखाता हूँ आपको, वन टच से ही आपकी सनरूफ ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे आपको बस ये एक बार टच करना है, आपकी सनरूफ खुल जाएगी। आप देख सकते हैं काफी बड़ा सनरूफ है इसका और वन टच में ही ये बंद हो जाएगी, देख सकते हैं आप। और जो ये इसका कवर है ये इसके साथ बंद नहीं होगा, ये आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। तो ये था कुछ गाड़ी के बारे में इंटीरियर। अब तो ये था कुछ गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, अब चलते हैं इसके सेकंड रो में। तो करते हैं गेट को ओपन और यहाँ भी आपको सेम ब्लैक एंड बीच कलर में देखने को मिलेगा ये डोर हैंडल। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, नीचे एक बोतल होल्डर मिलेगा और यहाँ पे मिलता है आपको एक स्पीकर। और आपको देखो यहाँ पे भी आपको एक सॉकेट देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट का सॉकेट जो कि आप यूज कर सकते हैं इसे। अब बात करें इसके स्पेसिंग की, तो ये सीट फुल पीछे है, तो अब इसके स्पेसिंग की बात करें तो देखिए लेग स्पेस देख सकते हैं आप, इस सीट फुल पीछे है, काफी अच्छा खासा इसमें लेग स्पेस है। इधर भी आपको एक लाइट मिलती है, देख सकते हैं आप। और ऐसा दिखता है कुछ फ्रंट का इंटीरियर। तो चलते हैं अब देखते हैं इसमें आपको कितना बूट स्पेस मिलने वाला है। और इसका एक मैं बूट खोलने का स्विच दिखाता हूँ, इसमें कोई आपको हैंडल नहीं मिलता, इसमें एक स्विच होता है, आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे इसके अंदर एक मोटर होती है, वो लॉक अनलॉक कर देती है, देखिए आप। और आपको यहाँ पे देखो ये भी मिलता है जो कि ये आपको बस ओपन करना है, बाकी अपने आप खुल जाएगा। तो ये है इसका बूट, 358 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है, आप देख सकते हैं प्रॉपर बूट स्पेस है इसमें। ये है पार्सल ट्रे, आपको इसमें एक एडवांटेज मिलता है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि स्पेयर व्हील आपका ऑलरेडी टेल गेट पे लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको टूल किट देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लाइट मिलती है और यहाँ एक मिलता है आपको लगी झुक, और एक लगी झुक आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो ये थी कुछ इसकी बूट स्पेस, 358 लीटर की बूट स्पेस है, जो कि अगर आप इन सीट को फोल्ड करोगे तो फिर आपको बूट स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, जो कि 1178 तक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था इसका कुछ बूट स्पेस। तो करते हैं अब हम बूट को बंद। बूट आपने देख ही लिया है, अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने हमें क्या क्या एसेसरी में लगा के दिया है, जो कि हमने कंपनी से लगवाया तो उसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें नंबर प्लेट का ये कवर जो होता है ब्लैक कलर का फ्रेम, ये लगा है। दूसरी चीज़ जो इसमें व्हील आर्ट्स होती हैं, ये इसमें ये भी लगी हैं चारों व्हील्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डोर वाइजर लगे हैं और मड फ्लैप भी लगे हैं, आप देख सकते हैं मड फ्लैप। और अगर बात करें तो इसमें ये सीट कवर्स भी लगे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कंपनी फिटेड सीट कवर
नहीं देती आपको, आपको लगवाने ही पड़ेंगे या तो कंपनी से या तो बाहर से। और इसमें ये 7D मैट्स भी दिए हैं लगा के, और जो इन सब की प्राइसिंग रहने वाली है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो ये थी कुछ इनकी प्राइसेस। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आपको इसमें कीलेस एंट्री भी मिलती है। सॉरी मैंने बोला कि कीलेस एंट्री इसमें नहीं मिलती, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है ये सेंसर। आप जैसे ही डोर को मेरे हाथ में किया, आप जैसे ही डोर को टच करोगे आपके डोर अपने आप अनलॉक हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अब बात करते हैं हम इसके टोटल प्राइसिंग की कि हमें ऑन रोड प्राइस कितने में पड़ी है विद एसेसरीज। तो ये कुछ इसकी ऑन रोड प्राइस। तो ये थी कुछ वीडियो इको स्पोर्ट टाइटेनियम की, 1.5 लीटर पेट्रोल में है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेड कलर का बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आए। थैंक यू गाइस।